पिछले कई दिनों से पड़ रहे भीषण कोहरे की वजह से ट्रेनों की जो रफ्तार है वो भी काफ़ी धीमी हो गई है। सबसे ज़्यादा जो दिक्कत और परेशानियां हैं वो नौचंदी एक्सप्रेस को लेकर आ रही हैं। जो यात्री मेरठ से लखनऊ नौचंदी एक्सप्रेस से जाते हैं उनको कई घंटे का इंतज़ार करना पड़ रहा है, क्योंकि नौचंदी एक्सप्रेस 3 से 4 घंटे देरी से चल रही है। ऐसे तमाम यात्री हैं जो परेशान हैं कि कोहरा पड़ने की वजह से जो ट्रेनों की रफ्तार है वो धीमी है। कुछ लोग हैं हमारे साथ, कुछ यात्री हैं जो लखनऊ जाना चाहते हैं, उन्हीं से हम बात कर लेते हैं। आप लखनऊ जा रहे हैं, क्या बता रहे हैं नौचंदी कितनी देर? नौचंदी आ रही भैया 11:40 पे और गाड़ी का टाइम है 7:55 का। अच्छा जी, तो यहीं रहेंगे? अब जी इंतज़ार तो करना पड़ेगा क्योंकि गांव जाना है अपने घर। हाँ। आदमी साल 6 महीने में जाता है घर पे। तो कहाँ से आ रहे हैं भैया? हम हैं मुजफ्फरनगर से। अच्छा। तो हम एक ट्रेन जाती है बांद्रा। हाँ। तो उस ट्रेन से यहाँ पे आ गए थे। हाँ। हमें तो पता नहीं था किस टाइम पे लेट है या जल्द क्या है, मैं तो यही जान रहा था कि 7:55 पे है। तो वो ट्रेन इस टाइम 11:40 पे आएगी, तो हम जाएंगे यहाँ से। अब उतरना थोड़ा रायबरेली, लेकिन गाड़ी वहाँ छूट जाएगी, तो हम उतरेंगे प्रयागराज। तो वहाँ से हमें 70-80 किलोमीटर जाना है अपने गांव, तो हम काफ़ी लेट हो जाएंगे। काफ़ी लेट हो जाएंगे। सर आपको भी लखनऊ जाना? हाँ जी, हमें तो इलाहाबाद जाना है। अब इसके लेट होने की वजह से बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। 4 घंटे ठंडी में यहाँ परेशान होंगे। अब वो भी क्लियर नहीं है कि कितने बजे आएगी कितने बजे नहीं आएगी। आए दिन यही इसका ट्रेन का वो चल रहा है, जब देखो 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे लेट आ रही है। हाँ जी, तो देखिए तमाम यात्रियों की जो परेशानी है वो आपने सुनी। कौन कौन सी ट्रेन कितनी देरी से चल रही है यही हम देख लेते। देखिए तमाम लोग हैं यहाँ बोर्ड पर देख रहे हैं कि कौन सी ट्रेन कितनी देरी से जा रही है, किस वक्त आ रही है। और शायद सबसे ज़्यादा जो परेशानी और शायद सबसे ज़्यादा जो दिक्कत है वो नौचंदी एक्सप्रेस को लेकर ही सामने आ रही है, और सबसे ज़्यादा लोग उसी को लेकर परेशान हैं। और यहाँ कंट्रोल रूम है, यहाँ हम बात कर लेते हैं और जान लेते हैं। सर आपसे जानना चाहूँगा नौचंदी कितनी देरी से चल रही है? नौचंदी यहाँ से जाएगी 11:30 के करीब, 11:30-11 बजे। अच्छा, तो कितने दिन हो गए सर? कल गई थी, आज गई है, आज है। अच्छा, तो क्या कोहरे की वजह से आ रही है? हाँ, कोहरे की वजह से। अच्छा, और भी कोई ट्रेन लेट है? नहीं, और तो कोई ज़्यादा लेट नहीं है। अच्छा, नौचंदी एक्सप्रेस पर ये दिक्कत? हाँ, अभी तो फिलहाल वही है। अच्छा, वक्त क्या है नौचंदी एक्सप्रेस का? यहाँ से शाम को 19:55। अच्छा, 7:55 जी। अच्छा, देखिए 7:55 है उसका वक्त बताया जा रहा है कि रात को 7:55 पर नौचंदी एक्सप्रेस जाती है, लेकिन कोहरे का कारण बताया जा रहा है, और भी कुछ कारण हो सकते हैं, और उसकी वजह से सबसे ज़्यादा जो दिक्कत है उन यात्रियों के सामने है, चूँकि 4 घंटे देरी से चल रही है। तमाम ऐसे यात्री हैं कि जो यहाँ मेरठ के सिटी स्टेशन पर नौचंदी का इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ ट्रेनें और हैं वो अपने निर्धारित समय से चल रही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानी नौचंदी से लखनऊ या इलाहाबाद जाने वाले यात्रियों को सबसे ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सतेंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, ABP गंगा, मेरठ। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।